नंबर, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फॉसेटनेज, इक्विवेलेंट, ये सारा हो गया। बहुत गर्मी है यार, कुछ गर्मी कम करवा बताओ। सावन आने वाला है, बारिश का मौसम, बट फिर भी इतना गर्मी। बट कोई नहीं, लाइब्रेरी तो जाना पड़ेगा। तो रेडी है, टी शर्ट सारा धो दी इसलिए शर्ट पहन के जाना पड़ रहा है, बट कोई नहीं, जाते लाइब्रेरी से। हेलो, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस। और क्या हाल चाल। सो गर्मी बहुत तेजी ऊपर से लग रहा है, दिन से ज्यादा रात में गर्मी हो जा रहा है। अंकित आ गया है, उधर पड़ा हुआ है गर्मी से, मतलब सोया हुआ है, आया है तो अभी। अब कूलर बंद हुआ है जगह, कोई नहीं, सब हटाते हैं। सबसे पहला बात, कैरियर लॉन्चर में जाम पड़ रहा है, वहां पे ऑफलाइन मॉक टेस्ट होने वाला है 27 और 28 जुलाई को। तो अगर ये जिनको भी आना है, आप वो सेंटर विजिट कर लेना, और क्या बोलते हैं, नंबर है, नंबर पे कॉल करके बात करके आप वो सैटरडे संडे को टेस्ट देने आ सकते हो। फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो रहा है, मतलब आगे के मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, तो उसका भी हम लिंक बोलोगे तो हम डाल देंगे, या फिर आप वहां से भी विजिट कर सकते हो। तो अगर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर हो सकता है 100% स्कॉलरशिप मिल जाए, तो आपको टेस्ट सीरीज कैरियर लॉन्चर का फ्री में मिल जाएगा। तो ये हमारे तरफ से जो हुआ था इंस्टीट्यूट में, तो वो हम आपको बता दिए। बाकी कुछ भी अगर इसका नंबर वगैरह, लिंक वगैरह चाहिए तो आप बताना, तो मेरे को टेक्स्ट कर देना, हम बता देंगे। अब बात करते हैं, थंबनेल देख के आए होगे ऑटोमेटिक का। मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनल लगे, क्योंकि हम पहले वाले वीडियो में भी शेयर किए थे कि अर्थमेटिक एक ऐसा टॉपिक है ना, कि इसमें क्वांट्स में उससे क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, सब टॉपिक्स तो हम सारा पढ़ रहे हैं, मतलब सेक्शन तो हम सारा पढ़ रहे हैं, बट अर्थमेटिक का ये वाला जो बुक है, इसका हम अभी, आप बिलीव करोगे, इसका जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट लगभग, जिसमें परसेंटेज ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है मेरा, और प्रॉफिट लॉस में चले गए हैं, मतलब परसेंटेज तो पूरा खत्म होगा, प्रॉफिट लॉस में चले गए, SICI थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये सारा मतलब इसमें जो अर्थमेटिक में, फिर जैसे अभी जेसु प्रोपोर्शन आ जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन आ जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस वर्क आ जाएगा। तो मेरा मेन फोकस अभी, पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों होने लग गया कि हम अर्थमेटिक पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम अर्थमेटिक बहुत ज्यादा अच्छे से अगर क्वांट में पढ़ लेंगे, तो बाकी जो और भी टॉपिक है उस पर अगर बस उसका नॉलेज हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, तो ठीक ठाक नंबर आ सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। पता नहीं क्यों, क्योंकि या बोलो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया है अर्थमेटिक बनाने में, इसलिए हम ज्यादा बना रहे हैं। पैसेज वगैरह, पैसेज तो नहीं बना रहे, अभी पैराजम्बल्स कर रहे हैं। LRDI का क्वेश्चन अभी, जैसे वो बताया था ना IMS का वाला, जो वीडियो देखना शुरू किए, हेल्पफुल तो है, जो यंग टीचर है तो एक वो होता है ना, उनका खुद समझाने का तरीका, एक सेम एज ग्रुप के लोगों को तो मजा आया पढ़ने में। और भी थोड़ा सा क्लासेस करेंगे, उसके बाद देखते हैं, इंटरेस्ट तो बन रहा है, LRDI में भी करेंगे, बट मेन सोर्स मेरा अर्थमेटिक का ये चला है। इसके अलावा मेरे पास जैसे अभी अरुण शर्मा का बुक है, वो हम सोच रहे हैं उससे भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बनाना शुरू कर दे, क्योंकि उसमें लेवल क्वेश्चन का तो बहुत है। और एक मेरे पास अरियंत का है, तो अरियंत का बुक है, बट उसमें क्या है, वो प्रॉपर टेक्स्ट बुक की तरह है, तो एकदम बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक जाना है, तो वैसे तो बेसिक्स तो मेरा ऐसे कंप्लीट हो जा रहा है। आप लोग भी क्या, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अगर थोड़ा सा अगर आप लोग को लगता है, या फिर जो एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी एक दो बार दे चुके हैं कैट, तो अगर कुछ आप लोग बताना चाहोगे कि हाँ अर्थमेटिक कितना पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ के ऐसा हो पाएगा या नहीं पाएगा, तो प्लीज कमेंट में बताना मेरे को, ये इंस्टा या टेक्स्ट पे, क्या बोलते, टेलीग्राम पे आप बता सकते हो। तो अभी जैसे आज हम आपको बता रहे हैं, आज हम 2.3 से शुरू किए, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली ना इंडेक्स वाला क्वेश्चन था, सक्सेसिव परसेंटेज था, इंडेक्स क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बनाने में मजा आ गया। ये इंडेक्स क्वेश्चन तो मतलब लिटरली बता रहे हैं, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि बस क्वेश्चन देख रहे थे, क्योंकि इसका बेस ईयर में 100 मानना होता है, क्वेश्चन देख रहे थे, और मतलब ऐसे या सिर्फ मेरे को 7, 8, 9, 10 में सॉल्व करना पड़ा, थोड़ा सा कॉपी पेन उठाना पड़ा, बाकी ये सारा जब आप देख रहे हो ऐसे ही बना लिए थे, मतलब बस क्वेश्चन देखे, बेस ईयर लगाए, हो गया। उसके बाद देखो SI और CI का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आ गया, तो फिर इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज किए, इसका खत्म होने के बाद एवरेजेस तो बन गया अच्छे खासे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हम ऐसा कर रहे हैं ना, टॉपिक उठाते हैं अभी लाइब्रेरी में, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू करते हैं, और ये बुक हम ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे कुछ टाइम में। उसके बाद फिर दूसरा अरुण शर्मा से बनाना शुरू करेंगे, या फिर जो और एक मेरे को सेट मिलने वाला है वो सेट बनाना शुरू करेंगे। इसके अलावा और जैसे अभी मिक्सचर, ये क्या बोल, सॉरी अलजेब्रा शुरू होने वाला है, अलजेब्रा भी करेंगे, बट अर्थमेटिक में पता नहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अलजेब्रा शुरू करने से पहले जैसे सर बता रहे थे
कि ये जो अपना आप लोगों को पहले बताती है ये जो नंबर्स एंड सेट थ्योरी वाला बुक है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है ना तो अलजेब्रा करने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इससे कनेक्टेड है। तो जिनको अलजेब्रा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा रिकमेंडेशन है कि वो नंबर्स एंड सेट थ्योरी, मतलब नंबर सिस्टम एंड सेट थ्योरी अच्छे से बना ले तो अलजेब्रा बनाने में बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा उनको। जैसे मेरे को अर्थमेटिक पता नहीं इसलिए ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि हम बेस इसका बहुत अच्छे से पढ़े हैं, वैदिक मैथ बहुत अच्छा से हम मतलब टाइम दिए स्टार्टिंग में फरवरी में मार्च में, उस टाइम वैदिक मैथ वगैरह बहुत अच्छे से पढ़े। ये जो चार्ट को लेके बताते हैं ये ऐसा नहीं कि मेरे को प्रॉपर पूरा याद है, बट हाँ ऑलमोस्ट ये नंबर स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट परसेंटेज इक्विवेलेंट ये सारा हो गया। तो इसमें ये तो मतलब थोड़ा कुछ कुछ अलग से ट्रिक्स टू मेमोराइज रेसिप्रोकल से वो सब दिया हुआ है, तो ये सब ना बहुत अच्छे से हम पढ़े एकदम स्टार्टिंग में, तो अभी जाके मेरे को ऐसा साल लग रहा है कि अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है। नोबेल का बोले थे, आप लोग में से कोई सजेस्ट करना चाहते हो इसके अलावा कोई और नोबेल तो प्लीज मेरे को बता देना। पैसेज में कैरियर लॉन्चर के साइट में ना अब पैसेज आया, मतलब टाइप्स ऑफ पैसेज आया, जैसे आज हम चेक कर रहे थे अभी रिसेंटली वो अपडेट हुआ है, तो उसमें ना मतलब जैसे साइंस बेस्ड था, मैथमेटिक्स बेस्ड था, हिस्ट्री बेस्ड था और लैंग्वेज बेस्ड था, लैंग्विस्टिक बेस्ड, ऐसा ऐसा पैसेज था, तो हम उसको ट्राई करते हैं। अगर वो शेयरेबल होगा तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग चेक करना। अगर हम उसको अभी ओपन नहीं किए, बस हल्का से क्लिक किए तो मेरे को वो सेक्शन दिखा, अब उसको हम पूरा बनाए नहीं है, अब उसमें आगे क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ हम देखे नहीं है, बट टॉपिक देख के आप लोग को बता दे रहे हैं। और जैसा हम मॉक टेस्ट का बोले थे, अभी हम कल या परसों तक में अपना पूरा साइट अपडेट करके हम देख लेंगे क्या क्या सीन है कैसे कैसे, उसके बाद वन बाय वन मतलब जो भी जिनको भी चाहिए होगा मेरे को पिंग करते रहना, हम एक एक करके मॉक टेस्ट का जो बोले हैं वो हम करवा देंगे। एटलीस्ट क्या हो जाएगा ना, एक बार आप देख लोगे मॉक टेस्ट तो आपको समझ में दे दोगे, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे बैठना, कितना देर कंप्यूटर के सामने बैठना, ये सब एक एनवायरमेंट बन जाएगा, तो ये वाला सीन है। तो अभी तो भाई इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, हो नहीं रहा है, ऊपर से बगल से गाली भी दे रहा है मेरे को। कोई नहीं, कल क्लास है पैरा जंबल्स का, मतलब वीए का क्लास है, कल जाते हैं देखते हैं, कल कुछ नया सेट वगैरह मिलता है तो वो आप लोग को जरूर बता देंगे। तो आई होप कि वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब बटन जाते जाते दबा के जाओ यार। सजेशन के लिए कुछ भी बताने के लिए जो लोग ऑलरेडी एक बार दे चुके वो लोग सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में, इंस्टा पे टेलीग्राम पे आके प्लीज कुछ ना कुछ सजेस्ट कर दो, हम लोग बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगा। सो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।